अपने वीडियो को एंड तक देख लिया ना, तो आपका जो रोटेट है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो सारी परेशानी रोटेट की वो आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेते हैं। शर्त ये है कि वीडियो को एंड तक देखना है। सिंपली हम यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अभी हम इसकी भी क्लिक करें तो ये ना हमारा जो है ना गिज्मो जो है वो ये सेंटर के अंदर है, जो हमारा गिज्मो है ना वो सेंटर के अंदर है। तो अब हमने इसको एक बार यहाँ पे आके इफेक्ट पीवी टोनली करके सेंटर टू ऑब्जेक्ट, अब हमारा सेंटर के अंदर बिल्कुल ओके है, हमारा बिल्कुल जो है ना गिज्मो बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया। इसको हमने रोटेट कैसे करना है, ये रोटेट वाला ऑप्शन है। तो अब देखें अगर हम यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन में जाके यहाँ पे अगर हम 20 कर देते हैं, 20 10 कर देते हैं, 10 कर दिया ओके। अब हम देखना रोटेट करेंगे, ये देखें अब हमारा 10 10 होके रोटेट होगा, फुल 90 डिग्री हमारा रोटेट हुआ है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक नहीं करते तो फिर हमारा रैंडम होगा, तो फिर वो ऊपर नीचे थोड़ा हिसाब हो जाता है। तो वो जो है ना थोड़ा इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे ना, ये है एंगल स्नैप टॉगल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये आपका अच्छे तरीके से होगा, किसी भी तरफ आप इसको रोटेट कर सकेंगे। वो थोड़ा सा ना स्मूथ नहीं होगा, शार्प होगा, और शार्प से हमारा जो रोटेट है ना वो अच्छे तरीके से होगा। ये है ना रोटेट का जो आपका मसला है ना वो ये सारा यही मसला है कि आप रोटेट जब करते हैं ना तो आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करते, आपका शार्प नहीं होता, तो फिर वो रोटेट आगे पीछे हो जाता है। तो वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।